जब जैकी श्रॉफ ने अपना बंगला बेचकर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का चुकाया कर्ज। आज जो कहानी हम हमारे व्यूअर्स को सुनाने जा रहे हैं, उसे शायद कई सारे लोगों को हैरानी हो जाएगी। जिस लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन की हम सभी इज्जत करते हैं, जिन लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन को अक्सर बॉलीवुड में दरिया दिल कहा जाता है और उनकी इतनी इज्जत की जाती है, उन्हीं अमिताभ बच्चन ने अपने पैसे वसूलने के लिए जैकी श्रॉफ को अपना बंगला बेचने पर मजबूर कर दिया। ये बात है फिल्म बूम की। जी हाँ, वही फिल्म जिसे कटरीना कैफ ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। बेहद कम लोग ये जानते हैं कि मल्टी स्टारर इस फिल्म को जैकी श्रॉफ ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर डायरेक्ट किया था। ये दौर वही था जब दूसरी ओर अमिताभ बच्चन भी बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन बड़ी ही मशक्कत के बाद जैकी श्रॉफ ने अमिताभ बच्चन को इस फिल्म को साइन करने के लिए राजी कर दिया। लेकिन अफसोस, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और जैकी श्रॉफ के लिए आलम ये हो गया कि उनकी सड़क पर आने की नौबत आ गई। वो भारी कर्ज में डूब गए। उन्होंने प्रोडक्शन के बाकी सब खर्च तो जैसे तैसे उतार लिए। यहाँ एक बात बड़ी ही दिलचस्प है कि एक्टर गुलशन ग्रोवर और खुद कटरीना कैफ ने भी अपनी बची कुची रकम और फीस जैकी श्रॉफ से नहीं मांगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अपनी पेंडिंग पेमेंट के लिए अपने मैनेजर को बोलकर जैकी श्रॉफ के पीछे पड़ गए। जब एक अरसा बीत गया और जैकी श्रॉफ फिर भी अमिताभ बच्चन का कर्ज नहीं चुका पाए, तो आखिरकार अमिताभ बच्चन ने जैकी श्रॉफ को लीगल नोटिस भेज दिया। अमिताभ बच्चन का ये रूप देखकर खुद जैकी श्रॉफ भी हैरान थे और आखिरकार उन्होंने अपना बंगला बेचने का डिसीजन ले लिया। और कुछ इसी तरह जैकी श्रॉफ ने अपना बंगला बेचकर अमिताभ बच्चन के कर्ज को चुकाया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद जब जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ फिल्म इंडस्ट्री में वापस आए, तो उन्होंने अपने पिता के लिए उनके जन्मदिन पर बतौर तोहफा इसी बंगले को दोबारा खरीद कर उन्हें गिफ्ट किया। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट कीजिए। और बॉलीवुड से जुड़ी हुई ऐसी ही बाकी किस्से कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।